हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं बाल विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो आपके CTET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह कथन निम्न में से किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक का है? इसका आंसर है ऑप्शन 2, यह कथन गेसेल का है। दूसरा क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के सिद्धांत किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? विकास की जो प्रक्रिया है पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है, उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों, ये दोनों जो है दोनों इसका आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है, विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तीसरा है, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 और 2, 1 और 2 विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके डैश के अनुरूप होता है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत के अनुरूप होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षकों को हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को हो। अब सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, बाल मनोविज्ञान सूची 2 में है, शरीर के अंगों को एक साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया निरंतरता का सिद्धांत, बालकों के विकास एवं वृद्धि उसकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। सी है, व्यक्तिक विभिन्नता। तीसरा है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न चलता रहता है। डी है, एकीकरण का सिद्धांत। और 4 है, बालकों के व्यवहार का अध्ययन। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी 1 का 4, 1 का होगा 4, 2 का होगा 3, 2 का होगा 2 और 1 का होगा 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करिए, बालकों के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों के विकास में अवरोध का कार्य करती है। तीसरा है, विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट नियमों का अनुसरण करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ये तीनों होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा, ये सभी। आगे विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं, यह भी आपके CTET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, यह जून 2011 में CTET में आया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3,
विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। आगे की वीडियोस में मैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आऊँगी जो आपके CTET एग्जाम साथ में किसी भी TET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।